प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, किसी भी चीज को होने का की संभावना, चांसेस, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है, यदि आपने इसके बेसिक्स को समझ लिया तो आज इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा प्रोबेबिलिटी का बेसिक आइडिया क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन स्टेप्स को यूज किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं, इन सब के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो पूरे वीडियो को देखिए, नोट्स अपने साथ रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है उसको अपने नोटबुक पर जरूर नोट करिए, वही आपके रिविजन में काम आएगा। देखिए, प्रॉबेबिलिटी मतलब क्या है? चांसेस। जैसे मैं कहता हूँ कि हमने एक क्वाइन को टॉस किया, ठीक है, हमने एक क्वाइन को टॉस किया तो हेड आने का चांसेस क्या है? 50%, 50% है। और टेल आने का चांसेस क्या? ये भी 50%। 50% का मतलब क्या? 1/2। तो हेड आने का चांसेस 1/2 और टेल आने का चांसेस भी 1/2। मैंने कहा कि हमारे पास एक डाई है और हमने एक डाई को थ्रो किया, तो डाई को जब थ्रो करोगे तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जिसमें 1 आने के चांसेस क्या है? 1/6। 2 आने का चांसेस क्या है? 1/6, क्योंकि 2 एक ही बार आ रहा है। 6 आने का चांसेस क्या है? ये भी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। एक छोटा सा एग्जांपल में आप ऐसा समझो, यदि मान लो कि आपका स्कूल पूरे साल में 200 दिन चलता है और आप उस साल 190 डेज स्कूल जाते हो, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात के क्या चांसेस हैं कि आप स्कूल जाओगे? ये होगा 190/200, क्योंकि टोटल 200 है। तो प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, और वो ये है, व्हेन वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट एनी इवेंट वी कैन से प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स एंड होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसी भी चीज को होने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी यदि आप फाइंड कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये बात कैसे समझोगे? इसको आप इस तरह समझो, जब भी आप प्रोबेबिलिटी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपको 3 स्टेप में काम करना है। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता करिए। सबसे पहले क्या पता करना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता कर लिया आपने। इसके बाद क्या पता करोगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम का ही एक पार्ट होता है फेवरेबल आउटकम, जिस बात की प्रोबेबिलिटी आपको पता कर। जैसे मैंने कहा था कि आपका स्कूल 200 दिन चलता है, तो ये 200 क्या है? व्हाट इज 200? इट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और इसमें आप 190 डेज स्कूल जाते हो, तो ये 190 डेज क्या है? फेवरेबल आउटकम। तो सबसे पहले आपको टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी पता करना है, और उसमें फेवरेबल आउटकम कितने होंगे। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, फिर टेंशन मत लो, सुनो, धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता किया, इसके बाद मैं पता करूंगा फाइंड द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हम इसके बाद फेवरेबल आउटकम्स पता करेंगे, और इसके बाद क्या पता करेंगे? इसके बाद हम पता करेंगे प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और इसके लिए मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है। सो तीसरे स्टेप में हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी। यदि आप इस पूरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को इसी 3 स्टेप से सॉल्व करोगे तो कहीं कोई चैलेंजेस नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सामने आ रही है कि फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम का ही एक पार्ट है, मतलब न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। यदि किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इसका मतलब वो प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है, दैट वैल्यू इज लेस देन 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का
जो चांसेस है वो हमेशा जीरो से लेकर के वन के बीच में होगा। तो मैं इसको एज ए प्रॉपर्टी यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी चीज को होने का चांसेस इट लाइज बिटवीन जीरो टू वन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मस्ट लाई इन जीरो टू वन। किसी भी चीज को होने का चांसेस वन से ज्यादा नहीं हो सकता। सो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन। कभी भी आप कितना ही बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, प्रोबेबिलिटी वन से बड़ा नहीं होगा। एंड प्रोबेबिलिटी जीरो से छोटा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता। और यदि इसी बात को परसेंटेज में समझे तो इट शुड बी लाइज बिटवीन 0% टू 100%। 100% से बड़ा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी किसी भी चीज को होने का चांस 110% हो जाए। हाँ, आम बोलचाल में हम लोग कई बार ऐसा वर्ड यूज करते हैं, हाँ तुम कल स्कूल आएगा, हाँ मैं 200% आऊंगा। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। प्रैक्टिकली ये करेक्ट नहीं है, बट ऐसे इन जनरल हम इस बात को बोल देते हैं। थोड़ा सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हाँ जरूर आएगा ये 110%, 101%, 200%। किसी भी चीज को होने का चांसेस 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, और 100% इज कॉल्ड वन। सो वन से बड़ा पॉसिबल नहीं। ओके, अब ये जीरो कब हो सकता है? हाउ कैन वी से दैट किसी भी चीज को होने का प्रोबेबिलिटी जीरो है? तो इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जब किसी क्वेश्चन में इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो यहां पर इस इवेंट को होने का जो चांसेस है वो जीरो हो जाता है। इम्पॉसिबल इवेंट में किसी भी चीज को होने का चांसेस जीरो होता है, इम्पॉसिबल इवेंट में। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? यदि मैं कहता हूं अ डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन सिक्स। समझो मैंने क्या कहा? मैंने कहा डाइस थ्रोन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6 हो गया। और मैंने कहा इस बात के क्या चांसेस है कि डाई थ्रो करने के बाद 6 से बड़ा नंबर आएगा? तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। जब कोई चीज आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और यहां पर फेवरेबल आउटकम जीरो होता है, इसलिए प्रॉबिलिटी जीरो हो जाती है। इन दिस सिचुएशन वी कैन से द प्रॉबिलिटी जीरो, राइट? प्रोबेबिलिटी जीरो कब होगी? इम्पॉसिबल के केस में। मैंने आपको एग्जांपल बताया, आगे हम कई क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। अब मैं बात करता हूं दूसरा, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? जब भी किसी चीज को होने का संभावना 100% है, चांसेस वन है, जिसमें प्रोबेबिलिटी वन हो जाएगी। कैसे? और डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 7। एक डाई को थ्रो किया तो लेस देन 7 आने का चांसेस क्या? 100%, लेस देन 7 ही आएगा। सो फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम सेम हो गया। इस केस में आप प्रोबेबिलिटी को 1 कह सकते हो। तो इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी 0 है, श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी 1 है, एंड तीसरा सिचुएशन प्रोबेबिलिटी इज लाइज बिटवीन 0 टू 1। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, ये तीन चीजें होंगी। और ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है। आप इसको कह सकते हो कि जब भी किसी क्वेश्चन में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट पता कर रहे हो, क्या पता कर रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, नॉट की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट पता कर रहे हो तो आपको 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को सबट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूं कि अ डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, नॉट वर्ड यहां पे आता है, तो आप गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी पता करिए और जो आंसर आया उसको 1 में से सबट्रैक्ट करिए, तब आपको मिलेगा नॉट गेटिंग समथिंग। तो जब भी किसी क्वेश्चन नॉट गेटिंग समथिंग आता है तो पहले समथिंग की प्रायोरिटी पता करो और 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट करो, नॉट गेटिंग की प्रायोरिटी आ जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी था। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं लिख करके। प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स मैंने आपको बताया, जब तक आप एग्जांपल्स नहीं समझोगे तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सुनिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन। आप ठीक से समझिएगा इस बात को। अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
अ प्राइम नंबर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. और डाइस थ्रोन, एक डाई को हमने थ्रो किया, जब एक डाई को हमने थ्रो किया तो कितने आउटकम्स होंगे, क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल आउटकम. मैंने क्या कहा था, स्टेप वन में आपको क्या पता करना है कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, एक डाई थ्रो कर रहे हैं, तो जब भी आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सबसे पहले आप समझो कि इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, ये सबसे पहले पता करना. स्टेप वन इज फाइंड द ऑल पॉसिबल आउटकम. ऑल पॉसिबल आउटकम यहां पे कितना है, 6 है. ओके, सो मैं कह सकता हूं नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 6. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. दूसरा क्या है, सेकेंड स्टेप क्या था, पढ़िए सेकेंड स्टेप क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम कहां से मिलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसके आगे जो वर्ड लिखा हुआ है यहां से फेवरेबल आउटकम मिलता है. सो हाउ कैन यू फाइंड द फेवरेबल आउटकम, वी कैन से अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर गेटिंग अ प्राइम नंबर. सो व्हाट आर द एंड हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड द फेवरेबल आउटकम. सो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स के बारे में यदि बात की जाए तो इसमें देखो कितने प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 3 प्राइम नंबर है, 2, 3 एंड 5. सो वी कैन से फेवरेबल आउटकम इज 3. देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच इज कॉल्ड 1/2. तो आपने देखा मैंने इस क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में सॉल्व किया. किसी भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, किसी भी क्वेश्चन के पहले फर्स्ट लाइन को पढ़ो, फर्स्ट लाइन से आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम का पता चलेगा, फिर अगली लाइन को पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहां से आपको फेवरेबल आउटकम का पता चलेगा, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी. दैट्स इट, वेरी सिंपल. कोई भी क्वेश्चन हो, आप कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, आप डाई में से नंबर सेलेक्ट कर रहे हो, आप क्वाइन को टॉस कर रहे हो, या आप 2 क्वाइन को टॉस कर रहे हो, आप 2 डाई को एक साथ थ्रो कर रहे हो, या आप किसी बैग में से बॉल को ड्रॉ कर रहे हो, एरिया के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स है फॉलो 3 स्टेप्स. अब मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूं और हर एक क्वेश्चन को मैं इन्हीं 3 स्टेप से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा. ठीक है, नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सुनिए. इन अ थ्रो ऑफ अ फेयर डाई, किसी भी क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी के आगे मत पढ़ो, स्टेप वन करो, उसके बाद हम अगली लाइन को पढ़ेंगे. फर्स्ट लाइन को पढ़ोगे, फर्स्ट लाइन से स्टेप वन हो जाता है. क्या लिखा हुआ है, इन अ थ्रो ऑफ अ फेयर डाई, मतलब एक फेयर डाई को थ्रो कर रहे हैं. सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम. तो आप यहां पर देखिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हुए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हुए, हो गया 6. ओके, अब 1 by 1 फेवरेबल आउटकम पता करो, 1 by 1 फेवरेबल आउटकम पता करो. फर्स्ट केस में लिखा है द नंबर 5, नंबर 5, इन 6 नंबर में से एक ही नंबर है जो नंबर 5 है, तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1. सिर्फ हमें नंबर से मतलब, कौन सा नंबर से मतलब नहीं है, कितने नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कैन बी रिटन एज 1. सो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी दिस इज 1/6. दिस इज द फर्स्ट केस का आंसर हो गया. सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर 3 और 4, 3 और 4 कितने नंबर, 2 नंबर्स हैं. तो आपको नंबर केवल काउंट करना है, आपको नंबर काउंट करना है कि इसके जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है उसमें कितने आउटकम्स हैं, कितने नंबर्स हैं. तो यहां पे नंबर 2 है, क्या क्या नंबर है, 3 और 4, 2 नंबर्स हैं ऐसे. ठीक है, सो इसका मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 विच इज कॉल्ड 1/3. ओके, आगे बढ़ते हैं. तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में फेवरेबल आउटकम क्या है, प्राइम नंबर. मैं यहां पे लिखता हूं इसको इस तरह से, प्राइम नंबर क्या क्या है, 2, 3 एंड 5. तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/6. ओके, नंबर ग्रेटर देन 4 क्या होगा, 5, 6, 2 नंबर से. नंबर ग्रेटर देन 6 क्या होगा, 0, नो, कोई भी नंबर नहीं है, देयर इज नो नंबर, कोई भी नंबर नहीं है. नंबर लेस देन 6 मतलब 1, 2, 3, 4, 5,
ठीक है, थ्री और फोर में थ्री फोर हो गया कि फाइव हो गया, काउंट करो, काउंट करो कितने नंबर, यहां पर सिर्फ एक नंबर फेवरेबल आउटकम वन, यहां पे फेवरेबल आउटकम टू, यहां पे फेवरेबल आउटकम थ्री, यहां पे फेवरेबल आउटकम टू, यहां पे फेवरेबल आउटकम जीरो, यहां पे फेवरेबल आउटकम फाइव, इन सब का फेवरेबल आउटकम हमने पता कर लिया वो कितने नंबर है सिक्स सिक्स में से, तो फेवरेबल आउटकम जब मिल गया तो डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आप इन सब के प्रोबेबिलिटी आप सीधा लिख सकते हो। तो आपने देखा थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, पढ़िए थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में प्राइम नंबर कितने नंबर से, थ्री, तो इट इज 3/6, प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/2 हो गया। यदि मैं फोर्थ पार्ट की बात करता हूँ, नंबर ग्रेटर देन फोर वी कैन से 2/6 विच इज 1/3। ओके, फिफ्थ पार्ट की बात करता हूँ, कोई भी नंबर नहीं है, 0/6 इट बिकम 0। एंड सिक्स्थ पार्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे फाइव नंबर है, 5/6। आई बात समझ में? तो आप देख रहे हो यहां पर इन सब की प्रोबेबिलिटी मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि टोटल आउटकम मिल चुका था, फेवरेबल आउटकम ने फाइंड कर लिया है। तो किसी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में तीन स्टेप्स फॉलो करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम एंड देन प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैंने कहा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी के आगे मत पढ़ो, पहले फर्स्ट लाइन को पढ़ो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, टू डाइस, टू डाइस को थ्रो कर रहे हो, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। यदि मैं एक नहीं एक डाइस को थ्रो करता हूँ तो सिक्स आउटकम होते, टू डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये होगा, वन वन, फर्स्ट डाई पे वन, सेकेंड पे वन, फर्स्ट पे वन, सेकेंड पे टू, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, ओके, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, ठीक है, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, ठीक है, फोर से स्टार्ट करो, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव एंड फोर सिक्स, फाइव से स्टार्ट करो, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स, ओके, ठीक है, राइट, सिक्स से स्टार्ट करो, सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम उन दोनों टाई के ऊपर क्या क्या नंबर हो सकता है, हर एक ब्रैकेट के अंदर, हर एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट नंबर हमने लिखा है वो फर्स्ट डाई के ऊपर है और सेकंड नंबर सेकंड डाई के ऊपर है। तो ये 36 आउटकम पॉसिबल हैं। तो ये मिल गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन एवरी क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन टू डाइस आर थ्रोन इज कॉल्ड 36। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैन बी रिटन एज 36, टोटल 36 आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब इन सभी पार्ट में वन बाय वन आप फेवरेबल आउटकम पता करो। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाई ग्रेटर देन 8। तो पहला क्वेश्चन यह है कि कौन सा इन 36 आउटकम में कौन सा आउटकम है जिसमें नंबर का सम ग्रेटर देन 8 आ रहा है, 8 से बड़ा आ रहा है, 8 से बड़ा क्या है, 9। ओके, 9 कब आएगा, 9 कब आएगा, जब मैं कहूंगा 36 से शुरू करते हैं, 9 कब आएगा, जब आएगा 36, ओके, और क्या आएगा, 4 5, और क्या आएगा, 5 4, और क्या आएगा, 6 3, 9 आ गया। सम ग्रेटर देन 8 होना है तो सम 9 हो सकता है, ओके, सम 10 हो सकता है, 10 कब होगा, 10 कब होगा, 4 6, 10 कब होगा, 5 5, और 10 कब होगा, 6 4, ओके, 11 हो सकता है, 11 कब होगा, 5 6, और 11 कब होगा, 6 5, 12 हो सकता है, कब होगा, 6 6। तो ये वो फेवरेबल आउटकम है जिसमें नंबर सम ऑफ द नंबर इन बोथ डाई ग्रेटर देन 8 है, और ये इन्हीं 36 आउटकम का एक पार्ट है। सो कितने आउटकम हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें तो नंबर ऑफ आउटकम से मतलब है, तो मैं कह सकता हूँ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 10 है। सो प्रोबेबिलिटी इज 10 डिवाइडेड बाई 36, इट बिकम्स 5/18। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट को देखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 11, प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 12,
लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब सारे आउटकम्स आ जाएंगे। आप देखो ना, इन 36 आउटकम को देखो, इन सभी आउटकम में सम 12 या उससे छोटा है, तो यहां पे सारे आउटकम्स आ जाएंगे और ये एक श्योर इवेंट का केस बनेगा। इसको मैं 36/36 क्या लिख सकता हूं, 1। ओके, थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू 7। तो कौन सा ऐसा नंबर एलिमेंट है इन 36 में जिसमें सम 7 आ रहा है? तो मैं कह सकता हूँ 1 6, मैं कह सकता हूँ 2 5, मैं कह सकता हूँ 3 4, मैं कह सकता हूँ 4 3, मैं कह सकता हूँ 5 2, और मैं कह सकता हूँ 6 1। 1 2 3 4 5 6, सो प्रॉबिलिटी कैन बी रिटन 6/36, इट बिकम्स 1/6। सो आंसर क्या आ गया, 1/6 आ गया, राइट। तो ये मैंने वो सारे आउटकम्स को लिखे, तो एक प्रोबेबिलिटी का बेसिक आइडिया और एक आपको स्टेप्स मिल गया कि प्रोबेबिलिटी किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता करना है और उन्हीं आउटकम में से फेवरेबल आउटकम को ढूंढना है और बाद में डिवाइड कर देना है। 3 स्टेप फॉलो करोगे, प्रोबेबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। मैं आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है, ये कार्ड के ऊपर है। कौन सा कार्ड? 52 प्लेइंग कार्ड। आपको पता है 52 प्लेइंग कार्ड होता कैसा है? 52 प्लेइंग कार्ड कैसा होता है, मैं आपको समझाता हूं, सुनो। 52 प्लेइंग कार्ड कैसा होता है, देखो। यदि मैं 52 प्लेइंग कार्ड की बात करता हूं, तो 52 प्लेइंग कार्ड में देखो किस किस तरह का कार्ड पॉसिबल है। सबसे पहले हमारे पास स्पेड है और हमारे पास क्लब है, ये दोनों ब्लैक कलर का होता है। और फिर हमारे पास डायमंड है और हमारे पास हार्ट है, ये हमारे पास रेड कलर का होता है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड में 4 तरह के कार्ड होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। और इन सभी कार्ड में 13 13 पॉसिबिलिटी होती है। किंग होता है इसमें, क्वीन, जैक, और फिर नंबर कार्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ये नंबर कार्ड है। और लास्ट में होता है एस। कितने कार्ड हुए, काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 डायमंड हो गए, और इसी तरह 13 हार्ट भी होगा, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एस। ठीक है, तो ये दोनों हो गया रेड कलर का। और ब्लैक कलर के कार्ड क्या क्या होंगे, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एस। और क्लब क्या हो गया, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एस। सो कितने कार्ड हो गए, 52 कार्ड, पूरे के पूरे मैंने कार्ड्स लिख दिए। स्पेड एंड क्लब आर इन ब्लैक कलर एंड डायमंड एंड हार्ट आर इन रेड कलर। ओके, ये जो किंग, क्वीन, जैक आप देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं इसको, फेस कार्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड हो गए। दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड। एस कितने, 4 2 रेड एंड 2 ब्लैक। तो पहले कार्ड को स्टडी करो, क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कार्ड को स्टडी करो कि 52 प्लेइंग कार्ड होते कैसे हैं। तो जब भी आप कार्ड के क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले जब आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम फाइंड करोगे, तब तो ये 52 हो जाएगा, और फेवरेबल आउटकम वन बाय वन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, आप इन सभी क्वेश्चन में वन बाय वन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 52 है, फेवरेबल आउटकम क्या है, लिखा है अ किंग ऑफ रेड कलर। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, अ किंग ऑफ रेड कलर। ओके, रेड कलर के कितने किंग आपको दिख रहे हैं यहां पे, 2, 1 हार्ट का और 1 डायमंड का। तो इसका मतलब 2 किंग रेड कलर का है, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। आंसर इज 1/26। ओके, सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट, सबसे पहले डिनोमिनेटर 52 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो सेम होगा, फेवरेबल आउटकम वन बाय वन ढूंढो। अब इसमें लिखा है अ फेस कार्ड, हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर, हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर, किंग, क्वीन, जैक, चारों में 12 फेस कार्ड आर देयर, दैट इज 12/52। यदि मैं 4 से कैंसिल करता हूँ, 13 और ये 3। ओके, थर्ड पार्ट को देखो, अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने, 6।
किंग क्वीन जैक डायमंड का और किंग क्वीन जैक हार्ट का, सिक्स, इट इज 6/52, कैंसिल कर लेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने जैक हैं, एक ही जैक है हार्ट में, तो 1/52, ओके। फिफ्थ पार्ट क्या है, स्पेड, स्पेड कितने हैं, 13, 13/52, कैंसिल कर लो। एंड सिक्स पार्ट में द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, 1/52। सो ये आपने देखा, नंबर ऑफ कार्ड्स यदि आपने पढ़ लिया तो फेवरेबल आउटकम, आपको पता होना चाहिए कौन से कार्ड कितने नंबर ऑफ कार्ड है, कितने कितने कार्ड है, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, दैट विल बी द फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम विल ऑलवेज बी 52 इन दिस केस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर हैविंग 53 संडे, इस बात के क्या चांसेस हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज अ 5-स्टार क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने का चांसेस क्या, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, और यदि कोई साल मंडे से शुरू हुआ, जैसे 1 जनवरी मंडे है, तो मंडे टू संडे, 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 यदि 52 टाइम्स आएगा तो 52 × 7 डेज, ये बन जाएगा 364 डेज, मतलब 364 डेज में 52 कंप्लीट वीक आता, मतलब सारे मंडे संडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सभी 52 टाइम्स आता है, कब, 364 दिन में, तो एक दिन लास्ट का रह गया, लास्ट का एक दिन रह गया, कौन सा, 365th डे। अब ये 365th डे होगा, ये 53rd टाइम आएगा, तो ये 365th डे क्या हो सकता है, ये मंडे हो सकता है, ये ट्यूजडे हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा, ये वेडनेसडे हो सकता है, ये थर्सडे हो सकता है, ये फ्राइडे हो सकता है, ये सैटरडे हो सकता है, या ये संडे हो सकता है। तो ये जो 365th डे है, लास्ट डे, इसमें ये 7 पॉसिबिलिटी है, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन दिस केस, 7। सो मैं इस क्वेश्चन में लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 7, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां पे कितना है, 7 है, ओके। सो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, अब देखो इसमें संडे कहां पे आ रहा है, संडे सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1, सो प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन अ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज 1/7। और यही क्वेश्चन यदि नॉन लीप ईयर में होता, तो ये नॉन लीप ईयर था, लीप ईयर में होता तो 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता, उसका आंसर था 2/7, तो नॉन लीप ईयर में इस क्वेश्चन का आंसर 1/7 है, और लीप ईयर में क्योंकि एक दिन बढ़ जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर 2/7 हो जाएगा। देन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िए पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, हमें नंबर से मतलब है, पूरी कहानी से मतलब नहीं है। लिखा हुआ है अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड एंड 8 हैव माइनर डिफेक्ट, ओके बहुत बढ़िया। सो हमारे पास जो 100 शर्ट्स है ना, वो तीन तरह के हैं, 88 शर्ट इन गुड कंडीशन है, ओके, और 8 शर्ट में माइनर डिफेक्ट्स हैं एंड 4 शर्ट में मेजर डिफेक्ट्स हैं, काउंट करो कितने हो गए, 88 + 8 + 4 कितना हो गया, 100। इन 100 शर्ट्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बट सबसे पहली बात, इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम तो 100 ही होगा, बिकॉज दिस इज द टोटल नंबर, फेवरेबल आउटकम, फाइंड द प्रायोरिटी, दैट के आगे पढ़ के पता चलेगा। पढ़िए, लिखा हुआ है कि जिमी विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, ओके, जिमी सिर्फ उन्हीं शर्ट को एक्सेप्ट करती है जो सिर्फ गुड है, तो जिमी का फेवरेबल आउटकम 88 है, टोटल आउटकम 100 है, ओके। बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, और ये माइनर डिफेक्ट वाले शर्ट भी ले लेती है, कि मेजर को डिफेक्ट हटा देती है, रिजेक्ट कर देती है। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी, फर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी, जिमी को इस कार्टन को एक्सेप्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो जिमी कब एक्सेप्ट करती है? जब वो गुड होता है, तो फेवरेबल आउटकम जिमी के लिए 88 एंड टोटल आउटकम तो 100 है, 22/25 हो गया। सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है सुजाता, तो सुजाता कब एक्सेप्ट करती है शर्ट को, ये रिजेक्ट कर देती है उन शर्ट को रिजेक्ट कर देती है, पढ़ो ना क्वेश्चन को। सुजाता विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विद अ मेजर डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट को हटा दो तो माइनर और गुड वाले मिला के कितना हो गया, 96 हो गया। तो ये 96/100 हो गया, 24/25। ठीक है जी। जिमी ने कौन से नंबर ऑफ शर्ट को एक्सेप्ट किए वो उसका फेवरेबल आउटकम है, और सुजाता ने किसको एक्सेप्ट किए वो फेवरेबल आउटकम है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन दोनों केसेस में 100 ही होगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। राम एंड अरुण आर टू फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, इस बात के क्या चांसेस हैं कि राम एंड अरुण दोनों के सेम डेट को बर्थडे होंगे। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो 365/365 है। ये इसलिए है क्योंकि आपने जब दो डाई को थ्रो किया था, एक डाई पे 6 आउटकम एंड दूसरे पे 6 आउटकम, तो टोटल कितने आउटकम बने, 36। सेम आइडिया यहां पर भी है, एक का बर्थडे 1 जनवरी, दूसरे का 1 जनवरी, एक का 1 जनवरी, दूसरे का 2 जनवरी, एक का 1 जनवरी, दूसरे का 3 जनवरी, ऐसे कितने आउटकम आएंगे, 365 × 365 आइटम होगा। और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, दोनों का सेम बर्थडे आने का चांसेस क्या है कि दोनों का 1 जनवरी को आएगा, या दोनों का 2 जनवरी को आएगा, या दोनों का 3 जनवरी को आएगा, ऐसे कितने आउटकम है, 365 आउटकम है। सो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 365 होगा, तो प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन है 1/365। देन सेकेंड, इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है डिफरेंट बर्थडे, तो सेम बर्थडे नहीं होगा तो क्या होगा, डिफरेंट बर्थडे होगा। नॉट गेटिंग का प्रोबेबिलिटी मैंने कहा था वन में से प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 364/365। तो ये हो गया सेम बर्थडे का प्रोबेबिलिटी, और ये हो गया डिफरेंट बर्थडे का प्रोबेबिलिटी। तो डिफरेंट बर्थडे का मतलब समझते हो क्या है, सेम बर्थडे नहीं होगा, तो नॉट ए सेम बर्थडे, वन में से सेम बर्थडे को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंट बर्थडे आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें नंबर्स पता करना, प्रोबेबिलिटी दी गई है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, पढ़िए। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्बल्स, ग्रीन एंड ब्लू, और ये टोटल मिला के 24, हमें नहीं पता कितने ग्रीन और कितने ब्लू होंगे। बहुत बढ़िया बात। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो पता है 24 है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ग्रीन इज 2/3। बहुत बढ़िया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल दिया हुआ है क्वेश्चन, कितना दिया हुआ है, 2/3। हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, इट इज फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, हाउ टू फाइंड द टोटल आउटकम, वी कैन से इट इज 24। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल हमें नहीं पता, तो मैं लिख सकता हूं इसको नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ये हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 2/3। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स क्या होगा, 2/3 × 24 कितना हो गया, 16। समझ में आ रही बात। तो यहां पर आपने देखा कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 16 है, क्वेश्चन क्या था नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना होगा, अरे टोटल में से नंबर ऑफ ग्रीन बॉल को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 24 − 16, इट बिकम्स 8। तो आंसर क्या हो गया, 8 आउटकम्स, 8 ब्लू बॉल एंड 16 ग्रीन बॉल्स है, तभी ग्रीन बॉल की प्रायोरिटी 2/3 थी, 2/3 थी। यहां पर नंबर्स पता करना था, प्रायोरिटी दिया था, क्वेश्चन उल्टा हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एरिया के ऊपर बेस्ड है। एक हमारे पास डार्ट बोर्ड है और इसमें लिखा हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन को, अ डार्ट इज थ्रोन एट अ सर्कुलर बोर्ड विच हैज रीजन मार्क्ड फॉर स्कोरिंग, इफ द डार्ट हिट्स द रीजन 1, ओके,
प्लेयर गेट्स 50 पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। एंड इफ इट रीजन टू, जो कि छोटा वाला रीजन बीच वाला सर्कल है, द प्लेयर गेट्स 100 पॉइंट। इफ द डॉट हिट्स द बोर्ड, फाइंड द प्रायोरिटी ऑफ द प्लेयर गेटिंग 100 पॉइंट। ओके, तो पूरे डॉट का जो एरिया होगा, दिस इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और जिसका प्रायोरिटी फाइंड करना है वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। बहुत बढ़िया, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी 100 पॉइंट कब आएगा, जब वो पिन रीजन टू में जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द डॉट, क्या है एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। ये क्वेश्चन एरिया के ऊपर बेस्ड है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर यहां पे 20 है, और एरिया ऑफ लार्जर सर्कल पाई मल्टीप्लाई 50 स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का एरिया, दो दो सर्कुलर बोर्ड था, सर्कल का एरिया पता कर लिया, पाई कैंसिल हो गया, 20 स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 50 स्क्वायर 2500, कैंसिल करता हूं 20 से 20, तो ये 4/25 आएगा। सो द आंसर इज 4/25, राइट। जिसका प्रायोरिटी पता करना है वो न्यूमरेटर में, और जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में। सो यदि आप इस तरह से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द आंसर फॉर द प्रोबेबिलिटी। बहुत बढ़िया, प्रायोरिटी बहुत आसान चैप्टर, देख रहे हो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनो, ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अ नंबर एक्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1, 2 एंड 3, एंड द सेकेंड नंबर वाई इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1, 4, 9। बहुत बढ़िया, सब हमारे पास दो सीरीज ऑफ नंबर है, 1, 2, 3, 1, 4, 9, ठीक है। तो यहां से मुझे x को सेलेक्ट करना है और यहां से मुझे y को सेलेक्ट करना है, ठीक है। वट इज द, अब ये जो x एंड y को सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हो आपको, 9, 1, 1, 1, 4, 1, 9, 2, 1, 2, 4, 2, 9, 3, 1, 3, 4, 3, 9, जैसे हम डाई के क्वेश्चनों कर रहे थे। 1, 1 नंबर ले सकते हो आप, 1, 4 ले सकते हो, 1, 9 ले सकते हो, 2, 1 ले सकते हो, 2, 4 ले सकते हो, 2, 9 ले सकते हो, 3, 1 ले सकते हो, 3, 4 ले सकते हो, 3, 9 ले सकते हो, कितने पॉसिबिलिटी है, 9। तो लिखा है फाइंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई ऑफ टू नंबर विल बी लेस देन 9। इस बात के क्या चांसेस हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 9 से छोटा होगा। तो पहले प्रोडक्ट हैं कितने टोटल, 9। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसका कि नंबर लेस देन 9 है, तो मैं करके देखता हूँ। 1 × 1, 1, ओके, 1 × 4, 4, 1 × 9, 9, ठीक है, 2 × 2, 1, 2, 2 × 4, 8, 2 × 9, 18, ओके, 3 × 1, 3, 3 × 4 = 12, एंड 3 × 9 = 27। तो इन सभी नंबर में काउंट करो कि कौन सा नंबर 9 से छोटा है। टोटल 9 नंबर से 9 से छोटा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर 9 से छोटे हैं। लिखा है द नंबर 9 से छोटा है वो फेवरेबल आउटकम, सो प्रोबेबिलिटी इज कॉल 5/9 इन दिस केस। आइडिया सेम था, पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फिर फेवरेबल आउटकम, डिवाइड कर दो, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, अब इसी टाइप का हमने सेम क्वेश्चन किया था, जिसमें कि एक जार के अंदर दो तरह के बॉल थे, इसमें तीन तरह के हैं, ठीक है। द प्रायोरिटी ऑफ सेलेक्टिंग मार्बल, इसमें ग्रीन बॉल नहीं, मार्बल है, ग्रीन मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार कंटेंस ओनली ग्रीन, व्हाइट एंड येलो मार्बल्स। इसका मतलब यहाँ पे तीन तरह के मार्बल है, ग्रीन, व्हाइट एंड येलो, ठीक है। और इसमें ग्रीन की प्रायोरिटी 1/4 है। द प्रायोरिटी ऑफ सेलेक्टिंग व्हाइट मार्बल, इसकी प्रायोरिटी 1/3 है। एंड इफ दिस जार कंटेंस 10 येलो मार्बल्स, हमें टोटल नहीं पता इसमें नंबर, बट एक बात तो है कि ग्रीन मार्बल्स प्लस व्हाइट मार्बल्स प्लस येलो मार्बल्स, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो मैं येलो मार्बल की प्रायोरिटी पता कर सकता हूं, प्रायोरिटी ऑफ येलो मार्बल इज कॉल 1 माइनस प्रायोरिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स माइनस प्रायोरिटी ऑफ व्हाइट मार्बल। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 12, एंड दिस इज इक्वल 12 माइनस 3 माइनस 4, इट इज 5/12। सो ये मिल गया 5/12।
ठीक है, आप क्वेश्चन था व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल, हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है, बट यहां पर जो येलो वाला जो केस आप देख रहे हो इसमें आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ येलो मार्बल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। येलो मार्बल्स का प्रोबेबिलिटी 5/12 है और येलो मार्बल्स का नंबर 10 है, तो मैं कह सकता हूँ 10 इज अ फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम पता करना है। सो टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैन बी रिटन है 12 × 10 / 5 कितना हो गया 24। सो इसका मतलब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार, इट इज 24। सो वी कैन से 24 मार्बल्स इन द जार, 24 टोटल मार्बल्स है यहाँ पे। यदि आपसे पूछा था कितने ग्रीन है, कितने येलो है, कितने व्हाइट है, वो भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी में जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने किए, प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यदि प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन में आप ये तीन स्टेप्स को फॉलो करते हो, प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन क्वाइन से रिलेटेड है, डाई से रिलेटेड है, कार्ड से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है, बॉल से रिलेटेड है, मार्बल से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो, वी कैन फॉलो दीज थ्री स्टेप्स टू डू द क्वेश्चन। द प्रॉबिलिटी बहुत छोटा सा चैप्टर है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, बहुत आसान है, स्टेप्स फॉलो ये तीन करना है। याद रखना प्रॉबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। आप इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पर आप इसी चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप आपने रिवीजन कंप्लीट कर लिया और इस चैप्टर में आप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई डाउट होता है तो आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर अपने उस क्वेश्चन को सर्च करिए, हो सकता है उसका सॉल्यूशन किसी प्लेलिस्ट में या ऑनलाइन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाए। नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए जरूर देंगे, ठीक है।